हाय हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दावत व्लॉग्स। सो हमारे साउथ इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे एंटर करोगे तो आपको रंगोली दिखेगा और चौकट पे कुमकुम हल्दी की रंगोली दिखेगा। ये साउथ इंडियन का स्पेशल है, बट नाउडेज बहुत सारे लोग मतलब जनरेशन चेंज हो गया है तो अभी कोई फॉलो नहीं कर रहे, बट हम लोग डेली कंपल्सरी रंगोली डालते हैं। तो यहाँ पे पूजा चल रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसा पूजा, तो आपने अभी मोबाइल में इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और हम लोग तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया से रिलेटेड है, हम लोग तेलुगु है इसलिए ये फेस्टिवल हम भी करते हैं बोनालू। तो एक्चुअली बोनालू ये पोशम्मा भगवान का होता है। पोशम्मा यानी कि दुर्गा माता जी का ही रूप है, तो उनके लिए और यहाँ पे सब्जी और मीठे पूरी जो गुड़ से जागीरी से बनते हैं वो पूरी और चावल दही ये सब चढ़ता है, तो वही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे ससुर जी वो पूजा कर रहे थे मंदिर में, उनके साथ से पूरे बच्चे भी जमा हो गए, कियांश और मेरे दिनानंद के बच्चे। तो फेस्टिवल है इसलिए मेरे दोनों ननंद आ गए थे और उनके ही बच्चे सब जमा हो जाते तो फिर उनका ही हंगामा चलता रहता है घर में। और ये अभी बच्चों की मस्ती खुशियाँ यही देख के तो थोड़ा टाइम पास भी होता है और अपनों को भी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ बच्चे ही आवाज़ नहीं करे या फिर बच्चे ना हो घर में तो वो घर घर ही नहीं होता है। तो देखिए सब मिलके पूजा कर रहे हैं। कियांश को देखिए अगरबत्ती लेके घुमा रहा है। सो हम लोग जो भी फेस्टिवल्स होते हैं सब गेट टुगेदर हो जाते हैं और एक ही जगह पे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। और ये बोनालू तो कंपलसरी हमारे साउथ इंडिया में मनाना ही होता है जो भी तेलुगु समाज के हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रसाद के लिए जो प्रसाद चढ़ता है तो उसकी प्रिपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे मीठे पूरी जो आटा मतलब चपाती जैसे बनाते हैं, बस उसमें शक्कर का पानी या फिर गुड़ का पानी डाल दो और उसको पूरी जैसे बना के फ्राई कर दो तेल में, तो वो मीठा पूरी बन जाता है। हम लोग उसको बेलप्पा बोलते हैं। और उनको मतलब साग की सब्जी, उसे क्या बोलते मुझे भी नहीं पता है, वो पत्तों की सब्जी चढ़ती है और येल्लो कलर का चावल हल्दी डाल के हम लोग बनाते हैं और दही ये सब चढ़ता है। और यहाँ पे उनको उनके सामने मुर्गी का भी मतलब मुर्गी को भी चढ़ाना पड़ता है, बलि देना पड़ता है। ये सभी के फेस्टिवल्स में अलग अलग रीति रिवाज परंपरा होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, तो हमारा भी इस तरह ही कुछ है। वैसे तो मुझे ये थोड़ा भी पसंद नहीं है, बट जो भी फेस्टिवल से होता है उनको करना ही तो पड़ता है ये। तो बच्चे सब देख के मतलब डर नहीं रहे थे बल्कि उसके पास जा रहे थे सब। मुर्गी का बलि तो होता है बट वो फिर उनको चिकन या फिर मटन नॉन वेज अलाउड नहीं है भगवान को, बस उनके सामने बलि देना पड़ता है। देखिए सबके कल्चर अलग अलग है, सबके रीति रिवाज अलग अलग है, हम लोग किसी को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है। देखिए बच्चे डर ही नहीं रहे थे बिल्कुल बल्कि उसके पास जा रहे थे। यहाँ पे दिव्यांश अभी अभी सो के उठ के आया है, वो भी देख रहा है कि क्या हो रहा है इधर। देखिए नींद में है ये अभी। सो गाइस आप लोगों में भी ऐसा कुछ फेस्टिवल्स होते होंगे जो सबसे डिफरेंट होता होगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे कल्चर्स के रिलेटेड बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सभी के कास्ट में सभी के कल्चर्स अलग अलग होते हैं, तभी तो ये इंडिया कहलाता है। हम अपने एक दूसरे के कल्चर्स के लिए कुछ भी बोल नहीं सकते,
सबका अपना अपना तरीका होता है। तो बोनालू फेस्टिवल जो फेमस साउथ इंडियन फेस्टिवल है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे अभी पूजा फिनिश हो गया है, अब हम लोग मंदिर जाएंगे पोशमा मंदिर भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग ने हमारा कल्चर बताया है, हमारे कल्चर में कौन कौन से फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पोशमा फेस्टिवल जो है वो बहुत ही फेमस है साउथ इंडिया में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।